हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर ऑर्गेनिज्म और इसका हम लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं। पिछले लेक्चर फटाक से जाके देख लीजिए बिकॉज उसके अंदर पूरा आपको बेसिक मटेरियल, जो भी चीज़ें लगती हैं आपको, पूरा बेस उसमें कवर हो जाएगा। और तब तक ये वाला वीडियो आप लोग को नहीं समझेगा जब तक आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखते जाके। तो पहले वो वाला वीडियो जल्दी से देख लीजिए और फिर उसके बाद में ये वाला वीडियो भी आप लोग को बहुत अच्छे से देखना है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इस टॉपिक में हम लोग देखो बच्चों क्या देखने वाले हैं, पॉलिनेशन के बारे में देखने वाले। किसके बारे में देखने वाले भाई? पॉलिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले बच्चा, पॉलिनेशन क्या होता है? मान लो ये एंथर है, ये बहुत बड़ा एंथर हो गया, एंथर है मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते ये एंथर है और मान लेते हैं यहाँ पे ये एक स्टिग्मा है, या फिर ऐसा बोलेंगे गायनोइशियम है, ठीक है, गायनोइशियम है। तो जब भी पोलन ग्रेन्स एंथर से ट्रांसफर करके कहाँ पे जाएगा बचवा? जाएगा हमारे स्टिग्मा तक। ऐसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं इसको कहूँ कि भाई ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, क्या बोल रहा हूँ मैं वापस देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर, इसी को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? पॉलिनेशन कहेंगे। वापस देख लो एक बार फिर से, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। लगे तो मैं यहाँ लिख कर भी देता हूँ, वैसे आप लोग को इसमें दिख ही जाएगा, लेकिन चलो ठीक है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या लिखेंगे इसको, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, क्या बोलेंगे बच्चे? पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसी को क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन, ठीक है, इसी को कहेंगे हम लोग पॉलिनेशन। ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है, ये वाली चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी कि भाई ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर, ऐसे भी तुम लोग याद रख सकते हो इसको, ठीक है। इसके बाद अगर देखते हैं बच्चों, तो पॉलिनेशन कुछ फॉलोइंग टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले बच्चा हम क्या देखते हैं, पॉलिनेशन ये देखो कितने टाइप्स का होता है, ऑटोगैमी, फिर गाइटोनोगैमी, और लास्ट में है ज़ेनोगैमी। देखो क्या देख रहे बच्चे, तीन टाइप का पॉलिनेशन है, ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी, ज़ेनोगैमी। वापस देखो कौन से, ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी, ज़ेनोगैमी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, ये गैमी गैमी याद रखो बच्चों, क्या याद रखना है, गैमी गैमी याद रखना है। और पॉलिनेशन में देखो सिंपल, पहले तो ऑटो, फिर गाइटोनो, क्या गाइटोनो, और उसके बाद में ज़ेनो, है ना, ये तीन चीजें याद रखनी है, ऑटो, गाइटोनो, ज़ेनो, ये चीज याद रखनी है। और उसके आगे लगा देना है गैमी गैमी गैमी, तो आपको समझ में आ जाएगा पॉलिनेशन ये तीन टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोगैमी, दूसरा गाइटोनोगैमी और तीसरा ज़ेनोगैमी, अच्छे से याद रखो बच्चों, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, तो ऑटोगैमी देखते हैं बच्चों। ऑटोगैमी क्या होता है, ये ऐसा पॉलिनेशन होगा
ऐसा समझ लो सेल्फ पॉलिनेशन होगा यहाँ पे. क्या होने वाला है? सेल्फ पॉलिनेशन. इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच बाइसेक्सुअल फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन्स. ठीक है, तो इसको लिख कैसे सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ, कैसे लिख सकते हैं भाई? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. क्या बोलेंगे भाई? सेम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू सिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. इसी को क्या बोलेंगे बचवा? इसी को बोलेंगे हम लोग ऑटोगैमी. क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी. एग्जाम्पल इसका क्या है भाई? गार्डन पी, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं? पाइजम सैटिवम. कंफ्यूज नहीं होने का, नाम अच्छे से याद रखने का. ठीक है, इसी को क्या बोल सकते हैं बेटा? पाइजम सैटिवम. क्या बोल सकते हैं? पाइजम सैटिवम. ये आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के रखना है. ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग को ये चीज याद रखनी है. वापस मैं एक बार बता देता हूँ ऑटोगैमी क्या होता है. सिंपल, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू सिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. मान लो तुम्हारे घर में एक गुलाब का पौधा है, या फिर ऐसे समझ लेते हैं एक छोटे से पौधा अपन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे. ठीक है, मान लेते ये है हमारा कुंडा सस्ता सा, ये कुछ है पेड़. अब मान लो इसकी एक और ब्रांच है. ठीक है, मान लो ये फूल है. अब रेड कलर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और मान लो ये इसका स्टिग्मा है. ठीक है, ये क्या है? ये इसका स्टिग्मा है. और अलग कलर से अपन क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इसके एंथर्स दिखाने की. मान लो ये एंथर्स है. अब रेड कलर से मैं बताता हूँ आपको बच्चों, जब मान लो इसका पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा तक जा रहा है. ठीक है, दिख रहा है ना आपको? जब ये पोलन ग्रेन सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जब जाएगा, ऐसे को ही हम बोलेंगे ऑटोगैमी. क्या बोलेंगे बच्चों? ऑटोगैमी. ओके, यहाँ तक तो शायद आपको एक्सक्यूज मी समझ में आ गया रहेगा. अब गाइटोनोगैमी देखो बच्चों, क्या देखते हैं? गाइटोनोगैमी. ठीक है, तो गाइटोनोगैमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू एंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर प्रोड्यूस्ड ऑन सेम प्लांट. डिफरेंट फ्लावर है लेकिन सेम प्लांट पे बना है. देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, हम कोशिश करते हैं यहाँ पे देखने की इसको. मान लो ये हमारा सस्ता सा फूल है. ठीक है, मान लो ये उसकी एक ब्रांच है. ये अलग अलग ब्रांचेस है मान लो हमारे छोटे से पौधे की. ठीक है, ये हमारा गमला है. ठीक है, ये एक गमला है मान लेते. ठीक है, उसके बाद में ये छोटे छोटे पत्ते, और फिर देखो ये फूल है. देखो अच्छा, फूल निकालने में मेरी ड्राइंग बहुत बर्बाद है. हाँ, मेरे को कोई मॉन्स्टर निकालने की बोला तो मैं हंसते हंसते निकाल दूं. ठीक है, मान लो ये एंथर्स है इस फूल के. ठीक है, और मान लो यहां पे भी एक ऐसा फूल है, और ये ऐसे ऊपर ऐसे. ये फूल है भाई अपना, सस्ता सा फूल है. और मान लो थोड़ा डार्कर कलर से क्या करते हैं अपन लोग, इसका स्टिग्मा वगैरह बता देते हैं. ठीक है, ऐसा कुछ फूल है सस्ता. अब देखो भाई क्या होगा,
जब भी इस एंथर से पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे जाके पॉलिनेट होंगे। ऐसे ही पॉलिनेशन के टाइप को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसको बोलते हैं गाइटोनोगैमी। क्या कहते हैं इसको? गाइटोनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर बट डिफरेंट पोजिशन। ठीक है, सेम फ्लावर नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसा सेम प्लांट है ना, ऐसा इसको और अच्छे से अगर थोड़ा और शॉर्ट में बनाया तो देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस्ड ऑन सेम प्लांट है ना, फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रोड्यूस्ड ऑन सेम प्लांट, ऐसे भी अच्छा लगेगा है ना। तो कैसे लिख सकते हैं बच्चा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसको रब कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा है ये, ठीक है इसको कर देते हैं ऐसे रब, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे इसको, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनादर फ्लावर प्रोड्यूस्ड ऑन सेम प्लांट। ये प्रोड्यूस्ड ऑन सेम प्लांट लिखना नहीं भूलना बच्चों, ठीक है, तब आपको ये एकदम आराम से आएगा। अगर लिखना है तो बच्चों लिख सकते हो, आप इसकी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, देखो दिख रहा होगा ना शायद आपको। हाँ, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग और इसको अब आगे लेकर जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो शायद आप लोग को बहुत अच्छे से समझ गया होगा। देखो मैं वापस से एक बार बताता हूँ, ऑटोगैमी क्या था, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू सिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है। उसके बाद गाइटोनोगैमी क्या था, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर, बट एक चीज याद रखनी है, प्रोड्यूस्ड ऑन सेम प्लांट, ये अच्छे से याद रखना है। अब देखो बच्चों, ज़ीनोगैमी, इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं बिड़ू लोग? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, मतलब प्लांट सब अलग अलग होंगे, ठीक है। अब देखो, इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन व्हेन पोलन ग्रेन्स, अभी देखो यहाँ पे लिख के देखते हैं हम लोग, देखो व्हेन पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर इज डिपॉजिटेड ऑन स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंसी, इट जनरेट्स जेनेटिकली वेरिड ऑफ स्प्रिंग। इसका मतलब इतना ज़्यादा हार्ड वाला याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं, ठीक है। मान लो तुम्हारे गार्डन में एक जासवंत का पेड़ लगा है, या फिर जासवंत का पौधा लगा है, पेड़ बोलना अच्छा नहीं रहेगा, पौधा बोल सकते हैं। मान लो ये तुम्हारे गार्डन में जासवंत का क्या लगा है, एक छोटू सा पौधा लगा है, मान लेते हैं ये ऐसे सादा वाला फूल बना रहा हूँ मैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है, मतलब डिटेल डायग्राम नहीं बनाएंगे ऐसा बोल रहा हूँ मैं, डेप्थ में तो हमको पूरे चीज़ें अच्छे से करनी है। मान लो ये अपना जासवंत का छोटू सा पौधा है, ठीक है, जिसमें से क्या है एक्चुअली जासवंत कम सनफ्लावर ज़्यादा दिख रहा है वो, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा जासवंत का छोटू सा पौधा है ना। अब दूसरा एक गार्डन तुम्हारे ही दोस्त का मान लेते, एक गार्डन है वहां पर भी सेम स्पीशीज का क्या है, सेम स्पीशी का क्या है बच्चों, एक जासवंत है, ठीक है, यानी हिबिस्कस बोलते हैं ना जिसको, ठीक है, सेम स्पीशी है, ठीक है, सेम स्पीशी है। अब जबी भी पोलन ग्रेन्स, देखो रेड कलर से, रेड तो यूज कर ली हमने, मान लेते ब्लू कलर से दिखाता हूँ, जब भी ये पोलन ग्रेन्स, देखो बच्चों क्या हो रहे हैं, इस फ्लावर से इस फ्लावर्स तक डिपॉजिट हो रहे हैं,
ऐसे ही टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, जीनोगैमी। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है बच्चों, सिंपल हाइब्रिडाइजेशन बोलो या फिर क्रॉस पॉलिनेशन बोलो, इससे क्या होगा, जेनेटिकली वेराइटी तैयार होगी एक क्रॉप्स की। ठीक है, तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, हम इसको लिख कुछ इस तरीके से सकते हैं बच्चा, कि भाई ट्रांसफर ऑफ, कैसे लिखेंगे इसको, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनादर फ्लावर, स्टिग्मा ऑफ अनादर फ्लावर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट प्लांट प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट प्लांट बट ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, ऑफ लास्ट में ये लिखना मत भूलो, सेम स्पीशीज। ठीक है, प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट प्लांट, ठीक है, प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट प्लांट लेकिन अ सेम स्पीशीज का। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसी को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या फिर जेनोगैमी। तो देखो अच्छे से देख लो इस चीज़ों को, हमेशा याद रखो जीनोगैमी में जेनेटिकली वेरिड ऑफ स्प्रिंग्स तैयार होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो भले फूल जासवंत का है लेकिन सफ़ेद कलर का, और आपके पास जो जासवंत है मान लेते लाल कलर का, तो जब ये पॉलिनेशन होगा तो कहीं ना कहीं एक न्यू वेराइटी ऑफ हिबिस्कस आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। तो अब देखते हैं ऑटोगैमी में क्या होता है, देखो बच्चों यहां लिख देता हूं मैं ऑटोगैमी, ऑटोगैमी में हमेशा याद रखो सेम फ्लावर होता है, ठीक है। गाइटोनोगैमी में सेम फ्लावर, फ्लावर तो चलो ऐसा सेम फ्लावर तो चलो ठीक है, डिफरेंट फ्लावर ये लिखना था मुझको, पहले इसमें सेम फ्लावर है दूसरे इसमें डिफरेंट फ्लावर है, क्या है बच्चों, डिफरेंट फ्लावर है लेकिन सेम प्लांट है ना, डिफरेंट फ्लावर है लेकिन सेम प्लांट है, और लास्ट में जीनोगैमी, जीनोगैमी में दोनों भी चीजें डिफरेंट, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट लेकिन सेम स्पीशीज। ठीक है, डीएफ मीन्स डिफरेंट फ्लावर, डीपी मीन्स डिफरेंट प्लांट और एसएस मीन्स सेम स्पीशीज, ये याद रखो अच्छे से, अगर करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब देखते हैं पॉलिनेशन जब होता है ना बच्चों, तो इसके लिए कुछ एजेंसीज होती हैं, एजेंसीज मतलब कोई ऐसी एमएनसी कंपनीज वगैरह नहीं होती है, एजेंसी मीन्स सिंपल कोई फैक्टर होते हैं जो क्या मतलब पोलन ग्रेन्स को यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स अगर मैं बोलूँ, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जैसे एजेंट्स ऑफ शील्ड एक बहुत अच्छा सीरीज आया करता था है ना, तो वैसे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या देख रहे हैं भाई, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या देख रहे हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो ये भाई एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है ना, देखो कितने टाइप्स के हैं, सबसे पहले तो बायोटिक और दूसरे एजेंट्स होते हैं बच्चों ए बायोटिक,
ठीक है, बायोटिक एबायोटिक। बायोटिक मतलब आपको पता है लिविंग होते हैं, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग होते हैं। तो देखो बायोटिक में बच्चों कौन से टाइप्स आते हैं, सबसे पहले तो देखो एंटोमोफिली, फिर ऑर्निथोफिली। ये क्या होता है सब एक एक करके देखने वाले हैं ना, और एक मिनट, ऑर्निथोफिली उसके बाद आएगा बच्चों, ऑर्निथोफिली हो गया, फिर काइरोप्टेरोफिली, क्या आएगा काइरोप्टेरो, है ना, चिरोप्टेरोफिली या काइरोप्टेरोफिली। उसके बाद में देखो एबायोटिक जो होते हैं इसमें दो आते हैं, एनेमोफिली और उसके बाद हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में फर्दर दो टाइप आते हैं भाई, एपी अगर वाटर का सरफेस अप है, और हाइपो अगर चीज़ें वाटर के सरफेस के नीचे हो रही हैं तो, ठीक है। तो एपी मीन्स ऊपर, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और हाँ हाइपो मीन्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखनी है कि भाई ऐसे पॉलिनेशन होता है। तो अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप आराम से ले सकते हो। अब देखो बायोटिक, एबायोटिक सबसे पहले देख रहे हैं, एबायोटिक दीज आर नॉन लिविंग एजेंट्स विच इंक्लूड विंड एंड वाटर। इसमें क्या हो रहा है, विंड। तो देखो विंड पॉलिनेशन, अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे एनेमोफिली, और अगर वाटर के जरिए हो रहा है तो हाइड्रोफिली। है ना, ये चीजें आप लोग को देखनी है, अगर विंड के जरिए हो रहा है तो एनेमोफिली, वाटर के जरिए हाइड्रोफिली। अब देखो, अब धीरे धीरे देखते हैं विंड से होने वाले पॉलिनेशंस। हमको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, हमको देखना है इसकी डेफिनेशन और इन फ्लावर्स में क्या क्या अडेप्टेशन आ सकते हैं, ये हम लोग को देखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले भाई अडेप्टेशन ऑफ एनेमोफिलस प्लांट। तो अगर मैं पहले बोल दूं, सबसे पहले पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड, किसकी मदद से हो रहा है भाई ये पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड, इसी को क्या बोलेंगे एनिमोफिली। तो अब देखो बच्चों एनिमोफिली के फ्लावर कैसे होते हैं, सबसे पहले अडेप्टेशन मतलब बदलते पर्यावरण के साथ वो कैसे चेंज हो गए रहेंगे, ठीक है। तो फ्लावर्स इनके बहुत छोटे होते हैं, इनकॉन्स्पिकस फ्लावर होते हैं, कलरलेस, कलरलेस मतलब जनरली वाइट कलर के रहेंगे, ज़्यादा भड़क कलर इनमें नहीं रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा ऐसे नहीं कि ब्राइट कलर जैसे रोज वगैरह है ना, ये कितने सुंदर लगते हैं। तो इनके फ्लावर ऐसे मतलब ऐसे अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे, मतलब मज़ा नहीं आएगा देखने में, ठीक है। उसके बाद में इनमें कोई टाइप का जूस ही नहीं रहेगा, जबकि इनको किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट ही नहीं करना है, फिर जूस रख के कोई मतलब बनता है क्या। तो इसीलिए इनके फ्लावर्स में कोई भी टाइप का जूस नहीं रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इनमें फ्रेग्रेंस भी नहीं रहेंगी भैया, मतलब किसी को देने में काम भी नहीं आएगा, है ना। मतलब अगर मान लो किसी को देना है मेरे को फूल, तो उसमें स्मेल होनी चाहिए ना, है ना। मतलब यार मतलब स्मेल लेंगे तो फिर सबको अच्छा भी लगता है ना, इम्प्रेस हो जाते हैं लोग, है कि नहीं। तो अगर इम्प्रेस करना है सभी को तो फूल देना पड़ता है, और फूल में स्मेल होनी चाहिए, और स्मेल को ही मतलब फ्रेग्रेंस बोला जाता है ना। तो इन फ्लावर्स में कोई टाइप का फ्रेग्रेंस नहीं रहेगा, मतलब यार अगर किसी को दोगे तो फेंक के वापस तुम लोग के पास ही आएंगे, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर्स मत दो किसी को, है ना। होता है ना हम लोग फंक्शंस में जाते हैं बुके वेके लेके जाके, मैं वैसी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद
पोलन ग्रेन्स आर लाइट. अभी भाई हल्के पोलन ग्रेन्स की क्या जरूरत है? तो हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा मतलब किसी और का होगा है ना, तो वो हल्का रहेगा तभी तो हवा में उड़ेगा. अगर हल्का नहीं रहेगा तो हवा में कैसे उड़ेगा भैया? ये भी आप लोग को समझना जरूरी है ना. और चुटकाऊ से पोलन ग्रेन्स होते हैं, फिर एरोडायनामिक रहेंगे भाई, एयर को बहुत अच्छे से काटते हुए चले जाएंगे, ठीक है. उसके बाद में ड्राई होते हैं, अगर वो गीले रहेंगे तो ढीले रहेंगे, नीचे बैठ जाएंगे है ना. तो अगर ड्राई होंगे तो आराम से वो एयर में मूव कर पाएंगे. ज्यादा नंबर में बनते हैं भाई. सर ज्यादा नंबर में बनने की क्या जरूरत है? अरे भाई श्योरिटी भी चाहिए ना. श्योरिटी नहीं है ना, कौन सा पोलन ग्रेन कहाँ पे जाके टिकेगा किसको पता है कि नहीं. तो इसीलिए ज्यादा नंबर में, तो अरे भाई 10 पत्थर मारेंगे एक तो लगेगा, इसलिए ज्यादा नंबर में ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है. देखो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस वही है, इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन कंसिडरिंग वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन. क्योंकि पता है ना ओकेजनली ये मीट होने वाला है, ये मतलब ऐसा कन्फर्म केस नहीं है. तो कन्फर्म करने के लिए, श्योरिटी बढ़ाने के लिए, चांसेस बढ़ाने के लिए ये ज़्यादा नंबर में सीक्रेट होते हैं, ठीक है. उसके बाद इनके स्टिग्मा ना फेदर ही होंगे. मान लो ऐसा स्टिग्मा है, सिग्मा का अपर पोर्शन है और ये ऐसे फेदर स्टिग्मा होंगे इनके, दिख रहा है ना ये. अब क्या है, पोलन ग्रेन बेचारा आएगा यहाँ पे, यहाँ कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएगा, और जैसे ट्रैप हो जाएगा तो फिर अब मान लिया जबरदस्त काम होने वाला है ना. पॉलिनेशन हो गया, समझो पॉलिनेशन हो गया तो फिर सब हो गया है ना. ये बात है याद रखना, पोलन ग्रेन्स या ये फेदर क्यों होते हैं, बिकॉज टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स कैरिड बाय विंड करंट्स. तो ऐसे मतलब ऐसे छन्नी जैसा रहेगा, पोलन ग्रेन आएगा इसमें फंस जाएगा, ठीक है. उसके बाद स्टैमेंस एग्जर्टेड विद लॉन्ग फिलामेंट एंड वर्सटाइल एंथर्स. मतलब ऐसे छोटू सा फूल है, मान लेते छोटू सा इधर पे ये हमारा छोटा फूल है, तो इनका एंथर ऐसे बाहर निकले घूरेगा. अब जैसे हवा आएगी ये बोलेगा हुई, निकल जाएगा यहाँ से ये, ठीक है, हुई करके निकल जाएगा है ना. हवा में ऐसे मस्त फ्लोट करते 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 मस्त निकल जाएगा, और फेदरी स्टिग्मा इसको क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा. ओके, स्टैमेंस एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज टू एयर. अब स्टिग्मा भी बाहर ही निकले हुए रहते भाई, क्योंकि अगर ये एयर के कॉन्टैक्ट में रहेंगे तभी ये सब प्रोसेस होगी. एयर के कॉन्टैक्ट में ही नहीं रहेंगे तो अंदर से बाहर थोड़ी फेंकने वाला है इसको भी. ऐसा गुलेर में थोड़ी ना डाल के प्लांट फेंकेगा, ऐसा लेगा और फेंक देगा डायरेक्टली है ना. तो ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं होने वाला है वहाँ पे, ठीक है. तो अगर आप लोग को ये समझा तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, इसका भी स्क्रीन शॉट आराम से ले सकते हो, कोई इशू नहीं. अब देखते हैं भाई है ना. हाँ देखो कुछ ऐसे ही दिखेगा आपको. तो देखो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में जो भी अपने ग्रेन्स होते हैं, जैसे अभी देखो मकई के प्लांट्स दिख रहे हैं आपको, मकई का प्लांट दिख रहा है ना. तो इनके देखो ऐसे दिख भी रहा होगा शायद आपको. देखो ये मेल इनफ्लोरेसेंस, ये ऊपर फ्लावर होते हैं इनके है ना. उसके बाद में फ्लैगशिप लीफ होगा, उसके बाद में इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है. मेन चीज़ ये देखो यार, मेल फीमेल चीज़ें कहाँ कहाँ पर है, ठीक है. पॉलिनेशन बाय विंड, जैसे ऐसी हवा आएगी ना, देखो ये ब्लैक मार्कर से दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये पोलन ग्रेन ऐसे एयर में फैल जाएंगे, ठीक है. ये पोलन ग्रेन्स ऐसे एयर में फैल जाएंगे, ठीक है. अब वाटर से देखते हैं कि कैसे भाई वाटर से पॉलिनेशन कैसे होता है. सबसे पहले पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर, इसको ही क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, हाइड्रोफिली. क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर, इसको हाइड्रोफिली बोलेंगे. इसमें भी दो टाइप्स आते हैं भाई, एपी हाइड्रोफिली. क्या बोलते हैं भाई, एपी हाइड्रोफिली. और इसमें आता है हाइपोबी हाइड्रोफिली. कितने देख लिए, एक एपी हाइड्रोफिली, एक हाइपो हाइड्रोफिली. ईपी हाइड्रोफिली में क्या होता है भाई, ऐसे पोलन ग्रेन ना ये यहाँ से आता है, देखो दिख रहा है ना, ऐसे सरफेस के ऊपर रहेगा, मतलब ये पॉलिनेशन ऑन द सरफेस होगा. और हाइपो में क्या होगा,
बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर होगा। देखो वापस बोल रहा हूँ मैं, कितने दो टाइप्स होते हैं, एपीहाइड्रोफिली हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है, ये दो टाइप्स होते हैं। पहला वापस देखो, एपीहाइड्रोफिली हाइपोहाइड्रोफिली, और ये दो टाइप्स के पोलिनेशन होते हैं हाइड्रोफिली में, ठीक है। तो देखो पोलिनेशन बाय वाटर फाउंड ओनली इन सम 30 जेनेरास, कितने जेनेरास में देखने को मिलेगा तुमको ये 30 जेनेरास ऑफ एक्वेटिक मोनोकॉट्स, ये याद रखना। जैसे देखो वैलिसनेरिया, जोस्टेरिया, सीराटोफाइलम एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल याद रखा करो भाई, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके भी फ्लावर होंगे स्मॉल, छुटकाऊ छुटकाऊ से फ्लावर होंगे। उसके बाद इनकॉन्स्पिकस, कैसे फ्लावर होंगे, इनकॉन्स्पिकस। पेरियंथ एंड फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल, मतलब गीले नहीं होंगे, अगर गीले हो जाएंगे तो फिर मैं बोल रहा हूँ ढीले हो जाएंगे। देखो ऐसे गीले गीले फ्लावर अगर रहेंगे तो उनके पूरे पत्तियाँ नीचे की तरफ डूब जाएंगी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना। इसलिए वाटर प्रूफ क्या रहना चाहिए इनका, इनका वाटर प्रूफ सरफेस होना चाहिए, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग, भाई लॉन्ग पोलन ग्रेन्स रहेंगे, ये भी अनवेटेबल होंगे। और ये अनवेटेबल एक चीज की वजह से होते हैं बच्चों, जिसका नाम होता है म्यूसिलेज। क्या होता है, म्यूसिलेज। म्यूसिलेज की वजह से ये अनवेटेबल होते हैं। नेक्टर और फ्रेग्रेंस दोनों भी नहीं रहेगी, ना इसमें नेक्टर रहेगा ना इसमें कोई प्रकार की फ्रेग्रेंस रहेगी, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला दो टाइप्स के होते हैं भाई, हाइपोहाइड्रोफिलस फ्लावर और एपीहाइड्रोफिलस फ्लावर, या फिर हाइपोहाइड्रोफिली एपीहाइड्रोफिली, ये दो चीज अच्छे से याद रखो, है ना। अब देखो बच्चों, अगर एपीहाइड्रोफिली देखते हैं, पहले हाइपोहाइड्रोफिली देखा हमने, हाइपोहाइड्रोफिली किसको बोलेंगे, ऐसा पॉलिनेशन जो वाटर के सरफेस के भीतर हो रहा है, ये ऐसा पानी है, कैसा है, पानी है, पानी के नीचे वाले सरफेस पे, और अगर पानी के सरफेस मतलब पानी के ऊपर हो रहा है ये काम, तो इसको बोलेंगे एपीहाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे, एपीहाइड्रोफिली। पोलन ग्रेन्स फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर एंड रीच द स्टिग्मा ऑफ फीमेल। एग्जाम्पल देखो वैलिसनेरिया, ये सबमर्ज होता है फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट इन विच फीमेल फ्लावर रीच द वाटर सरफेस टेम्पररली टू एंश्योर पॉलिनेशन एंड मेल फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। ये अच्छे से याद रखो, मेल फ्लावर वाटर सरफेस पे होता है, फीमेल फ्लावर सरफेस के भीतर होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन ग्रेन इज इक्वल टू दैट ऑफ वाटर, दैट्स वाई दे फ्लोट ऑन सर्फेस ऑफ वाटर। मतलब ऐसे समझ लो, ये फ्लावर, ये सरफेस, ये फीमेल फ्लावर ऊपर आया, पॉलिनेशन हुआ, नीचे चला गया, ठीक है, अच्छे से याद रखना। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर एनिमोफिलस, जैसे पोटामोगेटॉन, हेलोगैरिस। सम एक्वेटिक प्लांट आर एंटोमोफिलस, जिसको हम बोलते हैं लोटस, वाटर हायसिंथ या फिर वाटर लिली, है ना। तो सम आर एनिमोफिलस, जिसका एग्जाम्पल देखा था हमने पोटामोगेटॉन, ठीक है, और दूसरा है हेलोगैरिस, और कुछ प्लांट्स जो है वो एंटोमोफिलस होते हैं, जैसे लोटस, भले वो पानी में रहता है लेकिन उसको इंसेक्ट का साथ चाहिए, ठीक है, पानी में रहने के बावजूद भी उसको पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। बढ़ते हम लोग आगे की ओर, अब बायोटिक एजेंट देखते हैं भाई। सर एबायोटिक एजेंट्स तो बहुत हो गया, अब बायोटिक एजेंट्स देखते हैं, क्या देखते हैं, बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक मतलब यार लाइफ, जिसमें लाइफ होती है, नहीं तो लाइफ, लाइफ ऑफ पाई, है ना। तो बायोटिक एजेंट में हम लोग क्या करने वाले, देखो कौन सी चीज़ें देखने वाले हैं। अब देखो सबसे पहला है एंटोमोफिलस प्लांट्स, कौन से, देखो ये वाला एंटोमोफिलस। एंटोमोफिली मतलब क्या होता है भाई, पॉलिनेशन, हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। किसकी मदद से हो रहा है भाई ये, इंसेक्ट्स की मदद से।
पॉलिनेशन हो रहा है, और ऐसे ही टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली. क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली. देखो पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एज एंटोमोफिली. क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली. ठीक है, इंसेक्ट्स यहाँ पे क्या करेंगे भाई, आएगा फूल, फूल पे आएगा भंवरा, भंवरा बैठेगा फूल पे, फूल से उठाएगा पोलन ग्रेन और लेकर जाएगा स्टिग्मा पर, फिर होगा फर्टिलाइजेशन और फिर नया फूल आने की क्या बोलेंगे, हाँ नया फूल आ सकता है. ठीक है, नया फूल मतलब पहले बीज आएगा, बीज के बाद प्लांट आएगा, प्लांट के बाद फूल आएगा. बहुत लंबा प्रोसेस होता है ये. ठीक है, ये बात आप लोग को समझना चाहिए. अब अडेप्टेशंस देखो भाई, अडेप्टेशन की भाई इंसेक्ट्स को आमंत्रित करने के लिए एडवर्टाइजमेंट बनानी जरूरी है ना. अब एडवर्टाइजमेंट के लिए बैनर गिरी वगैरह चलती है ना, जो बैनर लगाएंगे, अट्रैक्टिव चीज़ें देखे आएंगे. तो सबसे पहले भाई रोज़, जैस्मिन, सेस्ट्रम जैसे फूलों में होता है जो कि बहुत सुंदर होते हैं. जैसे रोज़ तो आपको सभी को पता होगा है ना, रोज़ कितनी जगह यूज़ होता है ना. मतलब क्या है, मतलब रोज़ का फैन क्लब ही अलग है. ठीक है, दे आर लार्ज. इनके फ्लावर्स कैसे होंगे भाई, बड़े होंगे. बड़े होंगे तो ठीक से दिखेंगे, दूर से दिखेंगे ना. देखो किसी पॉलिटिक्स ऐसा बोलेंगे, जब इलेक्शंस वगैरह आते तो कितने बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं ना, तो बैनर्स से दूर से पार्टीज और उनके नेताओं के नाम दिखते हैं. क्यों दिखते हैं, क्योंकि दूर से दिखना है, दिखाना है कि भाई हम है. वैसे ही ये प्लांट को भी दूर से दिखाना है कि भाई हम इधर है, हमारे पास आओ, हमारे पास पोलन ग्रेन बहुत है. लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे हमारे पास पोलन ग्रेन बहुत है, हमारे पास नेक्टर बहुत है. तो नेक्टर, अब कीड़ों को कैसे पता चलेगा सर इसमें नेक्टर है, कैसे कीड़ों को कैसे पता चलेगा. सबसे पहले इन फ्लावर से निकलेगी स्वीट ओडर, मतलब बहुत ही अच्छी सी सुगंध, स्मेल बहुत अच्छी. किस किस को कौन सी स्मेल पसंद, जरा कौन से फ्लावर की स्मेल आप लोग को पसंद है कमेंट बॉक्स में बता देना. ठीक है, एंड हैव नेक्टर ग्लैंड्स. इन फ्लावर के पास होती हैं नेक्टर ग्लैंड्स. अब नेक्टर होगा तो कुछ ना कुछ भाई, होटल दूर से अगर बनाया, मतलब होटल कैसे, मेरे को एक बात बताओ सिंपल सी. एक होटल जो बहुत अच्छा खाना बनाती है लेकिन उसमें ऐसा मतलब अट्रैक्टिवनेस नहीं है. ठीक है, और एक होटल ऐसी है जो खाना तो अच्छा बनाती है लेकिन सर एडवर्टाइजमेंट भी अच्छी करती है, मतलब दूर से ऐसा लाइटिंग्स चल रही है ये. कौन सी होटल में आप रुकना पसंद करोगे कमेंट बॉक्स में भी बता देना, लेकिन मैं बोलता हूँ कौन सी होटल में आप रुकना पसंद करोगे. आप रुकना पसंद करोगे उस होटल में जहाँ पे क्या है, एडवर्टाइजमेंट अच्छी हो रही है, क्लीनलीनेस वगैरह है. तो वैसे ही जगह पे, मतलब इन फ्लावर्स को भी क्या करना पड़ता है, वैसे ही इन फ्लावर को स्मेल बनानी पड़ती है भाई. अच्छा होटल परफ्यूम महकने वाला कमरा होगा तो आप लोग को खाना खाने में वहाँ पे मज़ा आएगा. ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्टर्स होगा, मतलब डिशेस अच्छी होगी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, नेक्टर प्रोड्यूस करेगा प्लांट ये. ठीक है, फिर स्टिग्मा इसका होता है बच्चा रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेयर और स्टिकी ड्यू टू म्यूसेलाजिनस सिक्रीशन. पोलन ग्रेन इनके स्पाइनी होते हैं ताकि वो कीड़ों के पैर को आराम से चिपक जाए. ठीक है, और येल्लो स्टिकी सब्सटेंस से ये जैसे सराउंडेड होते हैं, जिसको पोलन किट बोलते हैं अपन. क्या बोलते हैं, पोलन किट. सम प्लांट्स हैव स्पेशल अडेप्टेशंस फॉर इंसेक्ट विजिटर लेवर मैकेनिज्म. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा कोई फूल है, ठीक है, जब भी क्या होगा बच्चों, यहाँ कोई ऐसा ऐसा कीड़ा बैठ गया ना बच्चों यहाँ आके, तो इसका अपने आप क्या होगा, एंथर वगैरह से बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो इसको लेवर मैकेनिज्म बोलते हैं कि भाई टर्न ऑन पाइप मैकेनिज्म इन सलाइवा, मतलब इतना तो नहीं लेकिन हाँ, जब भी इस फूल में कीड़ा आके बैठेगा तो इसके एंथर्स अपने आप ऐसे बाहर आ जाएंगे. ठीक है, इसी को लेवर मैकेनिज्म बोलते हैं. अब देखो पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, किसके मदद से देख रहे हैं भैया पॉलिनेशन, पॉलिनेशन हम लोग देख रहे हैं बर्ड्स की मदद से. ठीक है, अब देखो ये भी एक टाइप का स्पेशलाइज पॉलिनेशन होगा. ठीक है ना, बैट्स तक आ गए अपन लोग. एक सेकेंड, वो स्लाइड से इस स्लाइड तक जंप कर गए शायद. हाँ, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स. अब देखो इसी को हम बोलते हैं बच्चा ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन विथ द हेल्प ऑफ बर्ड्स.
भाई ऐसा पॉलिनेशन होगा जो बर्ड्स की सहायता से पूरा होगा, और ऐसे ही पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली, और ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं हम लोग ऑर्निथोफिलस प्लांट्स। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिलस प्लांट्स कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये प्लांट्स जो है यूजुअली देखो जैसे देखो ये यूजुअली स्मॉल साइज के हमिंग बर्ड्स जो रहते हैं ना, हमिंग बर्ड्स जैसे जीव जो होते हैं उनके लिए बने रहते हैं सम ऑर्निथोफिलस प्लांट्स। जैसे देखो बॉम्बैक्स, कैलिस्टेमोन जिसको अपन बॉटल ब्रश भी बोलते हैं, फिर देन बुटिया, ठीक है। अडेप्टेशंस कैसे होते हैं इनके, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। इनमें भले फ्रेग्रेंस ज़्यादा नहीं रहेगा बिकॉज बर्ड्स की सेंस ऑफ स्मेल पुअर होती है, ठीक है, लेकिन इनके कलर बड़े ज़बरदस्त होंगे, ठीक है, एकदम बड़े बड़े रहेंगे फ्लावर, ताकि अगर बड़े रहेंगे तो बर्ड्स उसमें इंटर कर पाएंगे ना, उसके बाद हमें शोई होंगे, मतलब ज़्यादातर मतलब बोल रहा ना मैं एडवर्टाइजमेंट है ना, शो जिस मतलब उसका कोई ऐसा एवोल्यूशनरी फैक्ट कैसा है, बस पोलिनेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दे सीक्रेट प्रोफ्यूज डाइल्यूट नेक्टर, ज़्यादा मात्रा में नेक्टर आएगा, क्या ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नेक्टर आएगा, इसमें फ्रेग्रेंस नहीं होगी बिकॉज बर्ड्स की सेंस ऑफ स्मेल पुअर होती है, ठीक है। वापस देख लो बच्चों, ब्राइट कलर्ड होंगे, लार्ज और शोई होंगे, ठीक है, लार्ज होंगे साइज में और शोई होंगे, शोई मीन्स यार थोड़ा सा शो ऑफ, यो बॉडी शो ऑफ करते हैं, ठीक है, शो ऑफ करेंगे, ज़्यादा नेक्टर बनाएंगे भाई, ज़्यादा नेक्टर, नेक्टर होगा ज़्यादा तो आएंगे ना कीड़े उड़ते उड़ते और नेक्टर पिएंगे भी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद फ्लावर्स में कोई भी टाइप का स्मेल नहीं होता है, और अगर होगा भी तो एकदम कम, ठीक है, तो ये भी अच्छे से याद रखो। और क्यों, अच्छा फ्रेग्रेंस का क्या मसला है भाई, फ्रेग्रेंस ज़्यादा क्यों नहीं है सर, हमको क्यों नहीं दिए फ्रेग्रेंस आपने, तो भैया नेचर को पता है कि बर्ड्स का सेंस ऑफ स्मेल होता है पुअर, तो फिर काहे को बनाएंगे फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस में अलग से काहे को खर्चा करेंगे एनर्जी, तो इसीलिए देयर इज नो एनी टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस इन बर्ड्स, ओके। अब देखते हैं आगे, अब हम चमगादड़ को देखेंगे, चमगादड़ ने बहुत तंग किया है पिछले 2 साल है ना, चमगादड़ को देखेंगे। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर पॉलिनेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ चमगादड़, जिसको हम कहते हैं बैट्स, तो इसको बोलेंगे बच्चा चिरोप्टेरोफिले, क्या बोलेंगे, काइरोप्टेरोफिले या फिर शेरोप्टेरोफिले, ठीक है। बैट्स कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट पोलन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस सम सेवरल किलोमीटर्स, तो बैट्स एक बहुत ज़्यादा रिलायबल, मतलब लेकिन ये रात के प्लांट्स में होगा, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके फ्लावर रात में ब्लूम होते हैं, ब्लूम मीन्स खिल उठते हैं, ठीक है। एडेप्टेशन क्या है, सबसे पहले फ्लावर तो डल कलर्ड होंगे, फ्लावर का कलर इतना खास नहीं होगा, फिर इनकी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होगी लेकिन गंदी वाली, ठीक है। अबंडंट नेक्टर बनाएंगे, क्या करेंगे भाई, अबंडंट बहुत ज़्यादा लेवल में नेक्टर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखो कदंब ट्री जो होता है, फिर बाद में बाओबाब ट्री है, एडनसोनिया बोलेंगे, ये एग्जाम्पल याद रखो, ठीक है। एंथोसिफेलस एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, एमसीक्यूज में भी आप लोग को पूछे जा सकते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है भैया याद रखो, ठीक है। उसके बाद में काइगेलिया, क्या काइगेलिया बोलें, काइमेलिया, काइगेलिया सॉसेज ट्री, इसको क्या बोलते हैं सॉसेज ट्री, चलो सॉसेज लटकेंगे फिर मस्त तो हॉट डॉग बना के खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, इस ट्री का नाम होता है सॉसेज ट्री, ठीक है। तो देखो वापस बता रहा हूँ, बैट्स की मदद से जो पॉलिनेशन होने वाला है इसको क्या बोलते हैं, गिर जा रहा था ये, काइरोप्टेरोफिली, क्या बोलेंगे इसको, काइरोप्टेरोफिली। काइरोप्टेरोफिली में बच्चों इसके अडेप्टेशन क्या है, फूल खिलेंगे रात में, बैट्स आएंगे साथ में, उड़ाएंगे बड़ी दावत, है ना, यस, इससे आगे नहीं बन सकता है, हाँ बन गया, थोड़ा सा बन गया, बैट्स आएंगे रात में, सॉरी फूल खिलेंगे रात में, बैट्स आएंगे साथ में, है ना,
फिर उड़ाएंगे बड़ी सी दावत, कैसी लगी ये कहावत, है ना? पता है थोड़ी सी पीजे है लेकिन चलता है, ठीक है, आपको याद तो रह रहा है, बस हो गया। उसके बाद में एडिबल पोलन ग्रेन्स बनाएंगे, दावत उड़ा रहे हैं, मतलब क्या भाई, पोलन ग्रेन्स फ्रूट बैट्स होते हैं ना, जो जो अपने नॉर्मल बैट होते हैं, वटवा गुड़ बोलते हैं उसको, है ना? तो ये जाएंगे मस्त, तो बैठेंगे फूल पे, फूल को खाएंगे। फूल को खाने के टाइम पे क्या होता है, इनके मतलब फूल के अंदर की चीज़ें खाएंगे, नेक्टर वगैरह पियेंगे मस्त। और उसके बाद क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं होता है, उड़ जाएंगे पोलन ग्रेन्स लेके उड़ जाएंगे, फिर किसी दूसरे फूल पे बैठेंगे। तब वो क्या करते हैं, फूल पोलन ग्रेन्स वहाँ डिलीवर कर देते हैं, फिर उससे बनता है फ्रूट, फ्रूट से बनता है सीड, सीड बाद में जैसे ज़मीन पे गिरेगा, ज़मीन में से निकलेगा नया पेड़, नए पेड़ को लगेंगे छोटी छोटी कलियाँ, कलियों से आएंगे नए फूल, और ये जीवन चक्र फिर से शुरू होगा, है ना? तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से देखना है, क्या करना है, बहुत अच्छे से देखना है भैया, ठीक है? तो यहाँ तक शायद आप लोग को अच्छे से समझ गया रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, पूरे जितने भी अपन ने टॉपिक सीखे एक समरी इसकी ले लेता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहली चीज, अच्छा, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी देखने हैं हम लोग को, लेकिन ये हम लोग किसी दूसरे लेक्चर में देखेंगे, ओके? तो एक मैं क्या करता हूँ, प्लेन स्लाइड इसमें ऐड करके आप लोग को पूरा रिवीजन दे देता हूँ इसका। ठीक है, हाँ, तो अब देखो क्या क्या देखा भैया अपन ने। देखो सिंपल चीजें देखी, सबसे पहले तो पॉलिनेशन देखा। क्या देखा, पॉलिनेशन। है ना, पॉलिनेशन देखा बच्चा। पॉलिनेशन कितने टाइप्स का था, सबसे पहला ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी, ज़ीनोगैमी, है ना? ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी, ज़ीनोगैमी। यहाँ पे देखो सेम फ्लावर होता है ना, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। यहाँ होता है डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट, ठीक है? डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट, DFSP वगैरह याद रख लो, शॉर्टकट है ये, ठीक है? और ज़ीनोगैमी में क्या होता है भाई, डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट, सेम स्पीशीज, ठीक है? ये याद रखना। लेकिन ये क्या है, ये डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर, ये है बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं है, ये मतलब पोलन ग्रेन्स है, एंथर टू स्टिग्मा। कि देखो सबसे पहले ऑटोगैमी में क्या था, जो पोलन ग्रेन्स थे कहाँ पे थे, कहाँ पे थे, एंथर से जा रहे थे स्टिग्मा तक, लेकिन सेम फ्लावर था, सेम प्लांट था, सेम जगह थी, वक्त भी सेम था, ठीक है? उसके बाद में गाइटोनोगैमी में क्या हो रहा था, डिप फ्लावर डिफरेंट है, फूल है डिफरेंट, और लेकिन प्लांट है सेम। मान लो मेरे पास एक कुंडा है, कुंडे में एक मान लो रोज़ का फ्लावर है, ठीक है? और वो रोज़ मतलब एक ही प्लांट पे तीन चार रोज़ लगे हैं, तो पोलन ग्रेन निकला उसी दूसरे किसी रोज़ पे गिर गया जाके, तो ये गाइटोनोगैमी है। और बाद में ज़ीनोगैमी मतलब क्या, सेम डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट, लेकिन सेम स्पीशीज। मान लो मेरे घर के एक कोने में एक रोज़ रखा है और दूसरे कोने में दूसरा रोज़ रखा है, मान लेते वाइट कलर का, दोनों की स्पीशीज सेम है, कलर बस डिफरेंट है, तो वहाँ से पोलन ग्रेन आएगा इस वाले रोज़ पे, सुनो, मान लो जा रहा है, किसी भवरे ने जाके छोड़ दिया, ठीक है? तो ऐसे समय कौन सा वाला हो रहा है प्रोड्यूस, ऐसे समय चलेगा ज़ीनोगैमी, जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने देखे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, क्या देखेंगे बच्चा, है ना, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। सिंपल है, दो टाइप्स होते हैं, मैंने तीन निकाल दिए यहां पे, एजेंट्स
एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में बच्चों और फर्दर टू टाइप्स, एनिमो फिली और हाइड्रो फिली। ये सब सीखा है अपन ने, ये भी आप लोग को क्या करना है, आराम से स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। और हाइड्रोफिलिम बच्चों फर्दर टू टाइप्स, सबसे पहले एपी हाइड्रोफिली, दूसरा है हाइपो हाइड्रोफिली। इपी एंड हाइपो, क्या इपी एंड हाइपो। बायोटिक में देखो बच्चा दो तीन टाइप्स होते हैं, है ना। तो सबसे पहले एंटोमो फिली और नीथो फिली और काइरोप्टेरो फिली, है ना। तो ये है सब हमने आज का सेशन देखा। अगर आपको लगी ये वीडियो अगर ठीक है तो फटाक से जाके सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी निकालें, लाइक भी करें और हाँ सभी के साथ शेयर करें, बिकॉज खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। और सभी के साथ शेयर करने के बाद क्या होगा, सबको ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।